अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए 6 कप मैंने पानी लिया है, 2 खाने के चम्मच कश्मीरी चाय या पिंक टी, 1/2 कप चीनी, 6 इलायचियाँ, चुटकी भर मीठा सोडा, दूध और बादाम पिस्ते, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले पैन में मैं 6 कप पानी डालूंगी। ये देखिए साइज का कप मैंने लिया है, 6 कप। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा मैं इसमें इलायची और कश्मीरी चाय डाल दूंगी, पत्ती जो है, सोडा चुटकी भर, और इसे मीडियम आंच पर आपको इतना पकाना है कि 6 से 3 या 4 कप रह जाएं, और चीनी भी इसमें शामिल कर दें। जब पानी सूख जाए तो उसमें 2-3 कप ठंडा पानी और ऐड करें। और इसे अच्छी तरीके से फेंटें। इसे 5 मिनट इतना फेंटना है कि कहवे का कलर गहरा ब्राउन हो जाए। ये देखें, 5 मिनट फेंटने के बाद कहवा जो है वो गहरा ब्राउन कलर का हो गया है, डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसमें दूध शामिल करें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। दूध आपने इतना ही डालना है कि चाय का कलर पिंक सा हो जाए, ज़्यादा दूध नहीं शामिल करना है इसमें, और इसे आप थोड़ा फेंटें। जैसे ही चाय में उबाल आ जाए 2-3 मिनट से आपने पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दें, और आखिर में इस पर बादाम पिस्ते ऊपर से डाल दें। ये मज़ेदार कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल पिंक कलर की बनी है ये। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।